दोस्तों, ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आने वाले भविष्य में डेफिनेटली डबल डिजिट के सीएजीआर की ग्रोथ यहाँ से एक्सपेक्टेड है। जिस हिसाब की डिमांड हम ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप फैमिली वेकेशन की बात कीजिए, बिजनेस ट्रिप्स की बात कीजिए, या तो यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट के इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं। और इसके चलते ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके लिए एक ये सुनहरा अवसर डेफिनेटली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर हर ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। बहुत ही गिनी चुनी कंपनियाँ हैं जो इस सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बना पा रही है और शेयर होल्डर फ्रेंडली भी है कहीं ना कहीं। उन्हीं में से एक कंपनी का जिक्र मैं आज आपके साथ करूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम आज चर्चा करेंगे उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का स्टॉक 2.5% की तेजी के साथ 41.30 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का बीसी स्क्रिप्ट कोड है 543272 और एनएसई सिंबल है ईज माई ट्रिप। 7184 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है दोस्तों। 73.50 रुपये का हाई है और 37 रुपीज़ का लो है। लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट इवेंट्स भी हुए हैं कंपनी के स्टॉक को लेकर, जिनसे शेयर होल्डर्स ने एडिशनल रिटर्न्स डेफिनेटली बनाए हुए हैं। जैसे नवंबर 21, 2022 को 3:1 में कंपनी ने बोनस इशू दिया था, 28 फरवरी 2022 को कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू दिया था। यहाँ पर 21 नवंबर 2022 को कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, 2 रुपए से कर ली थी 1 रुपए की वैल्यू। और डिविडेंड की बात करें तो 2021 में 1 रुपए का डिविडेंड नवंबर 18, 2021 को और 27 अप्रैल 2021 को 2 रुपए का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी के स्टॉक से प्राप्त हुआ है। जिसके चलते लोगों को डेफिनेटली ये अंदाजा आ चुका है कि कंपनी के स्टॉक में दम है और यहाँ पर इस वजह से कंपनी के स्टॉक को अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी रखा गया है। आप देख सकते हो स्टॉक का जो पी ए 51.6 का है, बुक वैल्यू 2.23 रुपये की है, 0.16% का डिविडेंड यील्ड रखता है कंपनी का स्टॉक। लेकिन अगर आप ROCE और ROE देखोगे तो यहाँ पर तकरीबन 50% के एवरेज नंबर्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। 1 रुपए की फेस वैल्यू है, जैसे मैंने बताया कंपनी ने अपने स्टॉक को हाल ही में स्प्लिट किया था। हाई और लो की प्राइस की बात हम कर चुके हैं, इस समय आपको तकरीबन 43.8% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर हम 52 वीक हाई से देख रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को। तो हालांकि एक वर्ष में इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी अपने एक्सपांशन पर फोकस कर रही थी और जो पिछला एक वर्ष गया है वो कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रैवलिंग के कूल ऑफ पीरियड में काउंट होता है। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग पीरियड चालू है वो एज इज पीरियड चालू है, जहां पर जो डिमांड की ग्रोथ है वो इंक्लाइन तरीके पे हमें जाते हुए दिख रही है। और उसी चीज का बेनिफिट शायद कंपनी के स्टॉक में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करें तो 200 दिन मूविंग एवरेज के कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 8 महीनों से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी कितनी रिवर्सल हमें आते हुए दिख रही है। यदि अगर ये 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को तोड़ता है तो डेफिनेटली हमको इस तरीके का कोई शार्प मूव कंपनी के स्टॉक में आते दिख सकता है, ऐसा मुझे टेक्निकल्स के हिसाब से लग रहा है। क्योंकि फंडामेंटली कंपनी के स्टॉक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की आप बात करोगे तो वहां पर 70% से ज्यादा आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसका मतलब यह है कि प्रमोटर्स का हिस्सा सबसे ज्यादा है कंपनी के स्टॉक में। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बड़ी आसान हो जाती है ऐसे टाइप के सिनेरियोस। और उसके अलावा अगर आप सेग्रीगेशन देखोगे ट्रैवल मार्केट वर्सेस ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट इंडस्ट्री के एस्टीमेट्स को, तो वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डेफिनेटली डबल डिजिट के सीएजीआर की ग्रोथ की उम्मीद जरूर लगाई हुई है। यहाँ तक कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 42.6% के ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ के नंबर्स को रिपोर्ट किया था रेवेन्यू में। हालांकि प्रॉफिट वाले सेक्शन में थोड़ा सा कंपनी पीछे रह गई है और उसका ही रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक में आपको देखने के लिए भी मिल रहा है। और कंपनी कंटिन्यूसली है ना दोस्तों इनोवेशन के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिख रही है, और केवल अपने बिजनेस के एक्सपांशन को लेकर नहीं बल्कि जो ये अपने डिसीजंस ले रहे हैं अपने बिजनेस इकोसिस्टम को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने ब्लू स्मार्ट के साथ पार्टनर किया था फॉर फर्स्ट एंड लास्ट माइल ट्रेवल। अब ब्लू स्मार्ट जो कंपनी है दोस्तों वो भारत की लीडिंग जीरो एमिशन मोबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो भी कैब्स है जो भी फ्लीट्स है वो सारे ईवी मॉडल्स है। और इन्होंने 250 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक किलोमीटर्स कवर किए हैं, 7.5 मिलियन से अधिक ट्रिप्स 2019 से अब तक कवर कर चुके हैं। तो ईवी मोबिलिटी के अंदर एक पायनियर कंपनी है दोस्तों। आप इज माई ट्रिप के ही वेबसाइट से आप जो ये कैब्स हैं उसे भी बुक कर सकते हैं, जीरो एमिशन वाली कैब्स होती हैं। इससे डेफिनेटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो ट्रैवलर्स को प्राप्त होता है, जिस वजह से यहाँ पर दोनों कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है।
उसी के साथ ईज माई ट्रिप कभी भी ऐसा नहीं कहती है कि मैं अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी हूँ, एजेंसी हूँ, तो मुझे ऑफलाइन मार्केट से बिल्कुल भी परे रहना है। इन्होंने रिसेंटली दिल्ली और आगरा में अपना पहला स्टोर भी ओपन कर दिया है दोस्तों। रोहिणी सेक्टर 3 में दिल्ली का जो स्टोर है वहां इन्होंने ओपनिंग करी है, और सीआर मॉल सिविल लाइंस में आगरा का स्टोर इन्होंने ओपन किया है। और इनके स्टोर्स के माध्यम से फ्लाइट, होटल बुकिंग्स, बस, ट्रेन, कैब और ग्रुप प्राइस टिकट जैसी सारी जो सर्विसेस होती है, इंक्लूसिव प्रीमियम हॉलीडे, क्रूज एंड चार्टर पैकेजेस, वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ तक इन्होंने 4,000 रुपए से ज्यादा बुकिंग करने वाले लिमिटेड लोगों के लिए 600 रुपए का डिस्काउंट भी ऑफर किया था। तो दोस्तों, ईज माई ट्रिप एज ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी काफी एग्रेसिव है मार्केट के अंदर। यदि अगर आपने प्लेन की बुकिंग की होगी, यानी कि प्लेन के टिकट्स निकलवाए होंगे, तो आपने तरह तरह जगहों पर कूपन कोड की रिसर्च जरूर की होगी, और कूपन कोड लगाने के बाद जब आप फाइनल पेमेंट पेज पे आते हो तो आपसे वसूली जाती है कन्वेंस फीस, वो भी ईज माई ट्रिप पर कोई नहीं लगती है। तो ये एक डिस्ट्रप्शन है जहाँ पर कस्टमर को जो स्टार्टिंग में प्राइस दिख रहा है, फाइनल पेमेंट पेज तक उतना ही प्राइस उन्हें अपने पॉकेट से पे करना है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगता है, और मैंने पर्सनली भी इसे ट्राई किया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपका अनुभव जो है वो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी ने मुझे एटलीस्ट एक रिटेलर बना दिया था इस कंपनी के वेबसाइट का। लेकिन मैं ये इनकरेज बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप आग बंद करके फ्लाइट की टिकट्स इनके प्लेटफॉर्म से बुक करा दीजिए। आप ज़रूर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी प्राइस को कंपेयर कीजिए, जहाँ सस्ता मिले वहीं से बुक कराइएगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इनके ही प्लेटफॉर्म से कराना है, लेकिन जब आप कंपेयर करें तो कृपया पेमेंट पेज के जो अमाउंट है उसी के साथ कंपेयर करें। तो मान लीजिए आप ABC वेबसाइट पर जा रहे हैं, फाइनल पेमेंट पेज तक जाइए, वहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, उसके बाद ईज माई ट्रिप के जो आप वेबसाइट पे आ रहे हो वहाँ पर फाइनल पेमेंट पे जाइए, वहाँ पर जो टोटल अमाउंट है उसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा। आपको जरूर एक डिफरेंस प्राप्त होगा, जो कहीं ना कहीं आपके थोड़े कितने पैसे भी बचा सकता है। इसके अलावा अगर मैं समराइज करूँ ईज माई ट्रिप के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो एक सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है दोस्तों, जो 2008 में बनी थी। और यहाँ पर एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस में हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स में कहीं भी कंपनी पीछे नहीं रही है। कैश रिच कंपनी है दोस्तों, और उसी के साथ ये मात्र एक ऐसी कंपनी है जो शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रही है। अगर हम ईयरली नंबर्स को देखें यहाँ पर, इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में भी कंपनी ने 191.3 करोड़ की EBITDA को यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वाले इस वर्टिकल को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल कंपनी, इमर्जिंग कंपनी के रूप में ईज माई ट्रिप काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। ऐसे जो भी मैंने अपनी स्टडी की वो मैंने फाइंडिंग्स के रूप में आपके साथ प्रेजेंट की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जब भी आप निवेश करते हो दोस्तों, तो वहाँ पर प्राइसेस नीचे ऊपर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, मुझे नहीं पता है आप कितने टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, इसीलिए किसी भी निवेश का फैसला आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। इस वीडियो को किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन ना समझिएगा। लेकिन अगर आपकी कोई स्टडी है, आपके कोई ओपिनियंस है इस कंपनी को लेकर या इस इंडस्ट्री को लेकर, तो उन्हें आप नीचे कॉमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी तरीके की इमर्जिंग कंपनीज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। कोई और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, उसे जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।